हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम पादप प्रतिस्थापन प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो आज उस पादप प्रतिस्थापन टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पादप प्रतिस्थापन के लाभ की बात करेंगे। पादप प्रतिस्थापन आप समझ चुके हैं कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो पहले वहाँ पर पाई या उगाई नहीं जाती हो, उसे क्या कहा जाता है? पादप प्रतिस्थापन। पादप प्रतिस्थापन क्रिया होती है जो एक देश से दूसरे देश में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जा सकती हैं। पादप प्रतिस्थापन के प्रकार पढ़ चुके हैं, प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, लाभ की बात करेंगे। पादप प्रतिस्थापन क्रिया से किसी क्षेत्र में नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि पादप प्रतिस्थापन आपको बताया गया था कि किसी क्षेत्र में कोई पादप प्रजाति वहाँ पर पाई उगाई नहीं जाती हो, उस स्थान पर ले जाकर नई पादप प्रजाति को उगाया जाता है, उसे प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो नई फसलें उस क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती हैं, अर्थात रोग व कीटों से। किसी क्षेत्र में यदि कोई फसल रोग से ग्रस्त है, कीटों का उसके ऊपर प्रभाव है, तो रोगों व कीटों से प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा उन फसलों की क्या की जा सकती है? सुरक्षा की जा सकती है। ध्यान रहे, पादप प्रतिस्थापन क्रिया से अर्थात चयन व संकरण क्रिया से, चयन व संकरण क्रिया से उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में नई फसलों की प्राप्ति पादप प्रतिस्थापन के द्वारा की जाती है, तो ये इसके क्या हैं? लाभ हैं। पादप प्रतिस्थापन के लाभ समझ चुके होंगे कि फसलों की रोगों कीटों से सुरक्षा की जा सकती है, किसी क्षेत्र में नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं, अर्थात उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। ये सब किसके द्वारा संभव है? पादप प्रतिस्थापन के द्वारा। यदि पादप प्रतिस्थापन की हानि की बात करें, पादप प्रतिस्थापन हानि, देखिए पादप प्रतिस्थापन जो हानियां हैं, नंबर एक, पादप प्रतिस्थापन क्रिया से, पादप प्रतिस्थापन क्रिया से किसी प्रजाति के साथ खरपतवार का प्रवेश होता है। जैसे सत्यानाशी, गेहूसा खरपतवार, एक प्रकार से ये प्रजाति के साथ प्रतिस्थापित किस्म है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन क्रिया से खरपतवार का क्या होता है? प्रवेश होता है। प्रतिस्थापन क्रिया से किसी क्षेत्र में रोगवाहक का प्रवेश, रोगवाहक का प्रवेश, जैसे चाय का
कॉफ़ी की ट्रॉक का रोगवाहक एक प्रकार से पुरस्थापन क्रिया के द्वारा उसका प्रवेश हुआ है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोगवाहक का प्रवेश भी हो सकता है। पुरस्थापित किस्मों के साथ कीटों का प्रवेश, जैसे हम बात करें इटली से आलूकंद, शलभ का प्रवेश, एक प्रकार से पुरस्थापन के कारण हुआ है। नंबर चार, जलकुंभी जिसे कहा जाता है बंगाल का आतंक, अर्थात एक प्रकार से यह खरपतवार के रूप में जलाशय में फैल चुका है, जो एक प्रकार से जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी करता है, जिससे एक प्रकार से जलीय जीवों को हानि हुई है। इसी प्रकार से हम बात करें कि कुछ प्रजातियों के साथ, जैसे हम बात करें यूकेलिप्टस है, इससे एक प्रकार से प्रस्थापित किस्म है जो भूमि के अंदर जल की कमी करती है, अर्थात जिससे जल भंडारों में क्या आई है, कमी आई है। तो ये पादप प्रस्थापन की क्या हानियां हैं खरपतवार के साथ, यानी एक प्रकार से प्रस्थापित किस्म होती है उसके साथ खरपतवार का क्या होना, प्रवेश होना, कीटों का प्रवेश होना, रोगवाहक का प्रवेश होना, अर्थात एक प्रकार से जैसे आपको एग्जांपल बताया गया इटली से आलू कंद स्लब का प्रवेश होता है, चाय के कॉफ़ी के ट्रॉक का प्रवेश है, जलकुंभी एक प्रकार से पुरस्थापित किस्म है जो खरपतवार के रूप में क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। इसी प्रकार से यूकेलिप्टस प्लांट है जो एक प्रकार से पुरस्थापित किस्म का पौधा है, जिससे एक प्रकार से जल भंडारों में क्या आई है, कमी आई है। तो ये पादप पुरस्थापन की हानियाँ समझ चुके होंगे। तो पादप प्रस्थापन आप समझ चुके हैं कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जहाँ पर वह पहले पाई या उगाई नहीं जाती हो, उसे क्या कहा जाता है, पादप प्रस्थापन कहा जाता है। आपको अभी बताया गया था पादप प्रस्थापन के लाभ व हानियाँ, तो लाभ आप समझ चुके होंगे और हानियों के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।